मौसी अपने कमरे में ले जाकर वो दिखाई, मैं तो बेहोश ही हो गया। मौसी जब वो दिखाई तो मैं सोच में पड़ गया कि मौसी को ऐसे संभाल कर रखी हैं। मैं देखा तो देखते ही रह गया। फिर मौसी बोली, अर्जुन तुम समझ सकते हो मेरे दर्द को। मैंने कहा, हाँ मौसी आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन मौसी सब्र कीजिए, मैं सब इच्छा आपका पूरा करूँगा, आप मुझे अपना ही समझिए। और हाँ, आपको जब भी ज़रूरत हो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। इतना बात सुनते ही मौसी अपने माथा मेरे सीने पर रखकर, उस दिन मम्मी मुझे और मेरे बहन को लेकर नानी के घर गई थी। नानी बहुत प्रसन्न थी और सबसे प्रसन्न तो मौसी थी। मौसी मम्मी की गले लगी और फिर मेरे बालों को सहलाई और बोली, अर्जुन कितना बड़ा हो गया है तू, कितना जल्दी बढ़ गया। पिछले बार जब आया था तू इतने सा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया है, और अब तो जवान भी हो गया, तेरा बेटा दीदी। मेरी मम्मी मुस्कुराई और फिर हम सब अंदर घर में चले गए। नाश्ता पानी किया और मौसी बोली, अर्जुन अब तुम पिछले बार आए थे तो बहुत जिद कर रहे थे देखने के लिए, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उस समय मैं उचित नहीं समझी और मेरी कुछ मजबूरी भी थी। तो चलो मेरे कमरे में, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ और सब कुछ बताती हूँ। जैसे ही मैं उठा जाने के लिए तो नानी ने मुझे बुलाया और कहा, अर्जुन तुम बाज़ार चले जाओ और कुछ राशन लाने हैं तो ला दो। फिर मैं मौसी के रूम से बाहर निकल गया और मौसी से बोला, मौसी मैं जब बाज़ार से आऊँगा तो फिर आप दिखाना। मौसी बोली, ठीक है। फिर मैं झोला लेकर बाज़ार चला गया और नानी की राशन जो जो बोली थी वो सब लेकर आ गया, क्योंकि मेरे मामा जी थे पर घर पे नहीं रहते, सिर्फ नानी और मौसी रहती हैं। मामा और दोनों मामी दिल्ली में रहती हैं, इसलिए जब मैं नानी के पास आया तो कुछ राशन जो ख़त्म हो गया था वो लाकर रख दिया। शाम को नानी ने मौसी से मटर पनीर और जीरा फ्राई चावल बनवाई, हम सब ने खाना खाया और फिर मौसी बोली कि अर्जुन अब तेरे पास टाइम है तो चल मेरे कमरे में, नहीं तो जब तुझे मन हो तो खुद आ जाना, मैं तुझे सब कुछ दिखाऊंगी और बताऊंगी। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे तो नानी बोली, अर्जुन तू बहुत थक गया है, अब तू जाकर आराम कर और हम लोग भी अब चलते हैं सोने। फिर मैं ऊपर वाला कमरा में चला गया सोने के लिए और मेरी बहन और मौसी एक रूम में चली गई सोने, और मेरी नानी और मेरी माँ एक रूम में। मैं पूरी रात तक सो नहीं पाया, सोचते ही रह गया मौसी के बारे में। मैं तो मौसी के बारे में सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और यह भी सोच रहा था कि मौसी के जैसे जी रही है मौसी के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, काश मैं मौसी का वह दर्द वह दुख हर लेता जिससे मौसी मेरी चैन की सांस लेती और मौसी को मैं वह सारा सुख देता जो मौसी चाहती है। यही सोच रहा था कि मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं सोचा कि क्यों ना इस बारे में मैं अपनी मम्मी से बात करूं, शायद मम्मी मान जाए। नहीं सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह का मेरा नींद 5 बजे खुला तो मौसी चाय लेकर मेरे रूम में आई, मैंने चाय पिया और उठकर बाथरूम किया, नहाया और फिर मैं मौसी के रूम में गया। मौसी से बोला, मौसी आप दिखाओ मुझे। फिर मौसी ने एक बहुत बड़ा बक्सा खोला और उस बक्से में से एक बहुत बड़ा लाल रंग के कपड़े निकाली, उसमें 2 कपड़े लपेटे हुए थे और दोनों कपड़े अलग अलग करने पर एक बहुत ही बड़ा तस्वीर निकला। उस तस्वीर में कौन है यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे तस्वीर का जो सर था वह फट चुका था और सीने में 10 गोलियां लगी हुई थी। मैं उस तस्वीर को देखकर एकदम सहम सा गया और मेरी मौसी फूट फूट कर रोने लगी। मैं मौसी को चुप कराया, उनके आंसू पहुँचा, मौसी सीने से चिपक कर रोने लगी। मौसी का दर्द का एहसास मुझे भी हो रहा था
और मैं मौसी से बोला, मौसी आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब दुख दूर कर दूँगा। मौसी बोली, लेकिन कैसे? मैं बोला, मैं माँ से कुछ बात करूँगा, अगर तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा। और फिर उस तस्वीर को मौसी जैसे रखा गया था बांधकर वैसे ही रख दी उसने उसी बक्स में। जब मैं मौसी के रूम से बाहर निकला तो मेरी माँ देखकर बोली, अर्जुन तू जैसे मौसी वह दिखाई तस्वीर, क्योंकि मैंने बोला हाँ माँ, मौसी ने वह तस्वीर दिखाई थी। और जब मैं पहले बाहर आया था तो मौसी से मैं जिद किया था देखने के लिए, तो मौसी मुझे बच्चा समझकर वह तस्वीर नहीं दिखाई थी, क्योंकि सिर फटा हुआ था और सीने में 10 गोलियाँ लगी हुई थी, तो शायद मैं डर जाता इसीलिए मौसी उस तस्वीर को नहीं दिखाई थी। दोस्तों, दरअसल मेरे मौसा एक फौज थे जो अपने देश के रक्षा करते हुए दुश्मन ने उनकी जान ले ली थी। बम से उनका सर फटा हुआ था और सीने में 10 गोलियाँ लगी हुई थी। मेरे मौसी का शादी अभी 6 महीने ही हुआ था तो मौसा जी चल बसे। तब से मौसी मेरी नानी के पास में रहती है, पर मैं मम्मी से बोला, मम्मी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं चाचा से मौसी का शादी कराना चाहता हूँ। मम्मी बोली, बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन मौसी राजी होगी क्या इसके लिए? मैंने कहा, हाँ माँ, मौसी तो राजी हो जाएगी, पर चाचा को मनाना पड़ेगा। फिर माँ बोली, ठीक है चल घर पर चलते हैं, तू चाचा से भी बात करते हैं, अगर चाचा मान जाएंगे तो फिर हम लोग शादी करा देंगे। दोस्तों, हम लोग घर पर जब गए तो चाचा मेरे टीचर थे, तो चाचा से मैं बात किया, चाचा बोले कि हाँ मैं तो शादी कर लूँगा, लेकिन मेरे एक बेटा है, तो क्या तेरी मौसी मुझसे शादी करेगी? सॉरी दोस्तों, मेरे चाची का डेट हो गया था और उनका एक बेटा था। मैं मौसी से फ़ोन पर बात किया, मौसी मेरे चाचा का एक बेटा है, आप शादी करोगी? मेरी मौसी राजी हो गई, बोली हाँ मैं कर लूँगी शादी। फिर मैं यह बात नानी से बोला, नानी भी तैयार हो गई। फिर माँ और मामी दिल्ली से आए और धूमधाम से फिर से मेरी मौसी का और मेरे चाचा का शादी हो गया। इस प्रकार से मेरी मौसी का दुखों का अंत हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको किस प्रकार की कहानी पसंद है कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। मैं आपके मनपसंद की कहानी लेकर ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद।